नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, भूगोल विभाग, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से, बीए पार्ट थर्ड सेक्शन डी के छात्रों से आज पुनः मुखातिब हूँ। और अपनी पिछली चर्चा में जहाँ हमने एशिया पर बात की थी, आज एशिया के रिलीफ या उच्चावच पर अपनी चर्चा आरंभ करते हैं। छात्रों, एशिया महाद्वीप में प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित धरातलीय स्वरूप से लेकर नवीनतम चट्टानों से निर्मित धरातलीय स्वरूप मिलते हैं। अरावली पर्वत तथा अरब सागर के पठार का धरातलीय स्वरूप प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। अंगारा लैंड स्थलखंड का एक भाग उत्तरी साइबेरिया का मैदान एशिया का सबसे पुरातन मैदान है। यह भाग कठोर रवेदार चट्टानों से बना हुआ है तथा दूसरी ओर एशिया महाद्वीप के धरातल पर नवीनतम चट्टानों से निर्मित पर्वत श्रेणियाँ, नदी घाटियाँ तथा मैदान भी पाए जाते हैं। भूगर्भिक इतिहास के अनुसार दजला फरात का मैदान, गंगा सिंधु का मैदान, इरावदी का मैदान तथा चीन का मैदान एशिया के सबसे नवीन भाग हैं। इस प्रकार विशाल एशिया महाद्वीप को धरातलीय विशेषताओं में अनेक प्रकार की धरातलीय विशेषताओं के रूप में बटा हुआ पाया जाता है। इन धरातलीय विशेषताओं एवं उच्चावचीय विविधताओं के आधार पर हम एशिया महाद्वीप को 5 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटते हैं। निम्न भूमि, मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, नदी घाटियों का क्रम और द्वीप समूह मालाएं। उत्तर की निम्न भूमि एशिया के संदर्भ में हम बात करें तो उत्तरी भाग में विस्तृत यह निचली भूमि त्रिभुजाकार मैदान के रूप में फैली है, जिसमें साइबेरिया के मैदान के नाम से जाना जाता है। इस मैदान के उत्तर की ओर आर्कटिक महासागर, पश्चिम की ओर यूराल पर्वत तथा दक्षिण व पूर्व की ओर एशिया का मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम स्थित है। पश्चिम की ओर यूराल पर्वत श्रेणी इसे यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। यह विशाल मैदान उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में एशिया की मध्यवर्ती पर्वत पठार श्रृंखला तक 3,400 किलोमीटर चौड़ा तथा पश्चिम में यूराल पर्वत से पूर्व में प्रशांत महासागर के तट तक लगभग 7,500 किलोमीटर लंबाई में फैला है। संरचना के आधार पर इस विशाल मैदान का निर्माण ओबे, येनेशी तथा लीना नदियों के अपरदन, निक्षेपण एवं बृहद हिमयुग के हिमनदों द्वारा हुआ है। इस विशाल मैदान का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। इस विशाल मैदान को स्थानीय विशेषताओं के आधार पर 4 उप विभागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, पश्चिमी साइबेरिया का विस्तृत मैदान। दूसरा, पूर्वी साइबेरिया का मैदानी पर्वतीय भाग। तीसरा, मध्य साइबेरिया का पठारी भाग। और चौथा, रूसी तुर्किस्तान का मैदान। रिलीफ का दूसरा जो महत्वपूर्ण स्वरूप है वह मध्यवर्ती पठार क्रम का आता है। एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में फैली इस पर्वत श्रेणियाँ महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण भाग मानी जाती हैं। इन पर्वत श्रेणियों का विस्तार एशिया के लगभग 78,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, जो इस महाद्वीप का लगभग 20% से अधिक भाग है। इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम में टर्की के पास भूमध्य सागर के तट से पूर्व में बेरिंग सागर तक एशिया के मध्य भाग में है। इन पर्वत श्रेणियों के मध्य अनेक उच्च पठार सम्मिलित हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ
पामीर की गांठ के उच्च भाग से निकलती हैं, जिसे दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। पामीर की गांठ से दक्षिण पूर्व में फैलने वाली श्रेणी हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। यह महान पर्वत समूह पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर म्यांमार के अराकानियोमा तक फैला हुआ है और इसका विस्तार लगभग 3,500 किलोमीटर में है। यह विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। प्रमुख हिमालय श्रृंखला भारत, नेपाल व भूटान में फैली है, लेकिन उत्तरी ढाल आंशिक रूप से तिब्बत में, पश्चिमी विस्तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया में है, जबकि सर्वोच्च ऊंचाई नेपाल में है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर उच्च चोटियों में माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, K2 8,611 मीटर, कंचनजंघा 8,598 मीटर, मकालू 8,481 मीटर, धौलागिरी 8,172 मीटर आदि प्रमुख हैं। एशिया के मध्यवर्ती भाग में इन पठारों की उपस्थिति के कारण इस भाग की जलवायु विविधतापूर्ण है, जिनमें से जो प्रमुख पठारों को क्रम के आधार पर यहाँ स्वरूप निर्मित होता है, उन पठारों को हम इन नामों में विभक्त करते हैं। तिब्बत का पठार, तारिम बेसिन, जुंगेरियन बेसिन, सैदाम का पठार, ईरान का पठार, एशिया का माइनर पठार और अल्दान का पठार। ये पठारी भाग मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम के प्रमुख बिंदु हैं। रिलीफ या उच्चावच का तीसरा प्रमुख स्वरूप है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में प्राचीन चट्टान से निर्मित तीन प्रायद्वीपीय पठार हैं। प्रथम अरब का प्रायद्वीपीय पठार, द्वितीय भारत का प्रायद्वीपीय पठार तथा तीसरा हिंद चीन का पठार। ये पठार एक प्राचीन भूखंड के अंग हैं, जिसे गोंडवाना लैंड भूखंड के नाम से जाना जाता था। एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित इन पठारों को दृढ़ भूखंड, रिजिड मासिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये भूखंड भूगर्भिक हलचलों को झेलकर भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। अरब का प्रायद्वीपीय पठार एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में संपूर्ण सऊदी अरब पर फैला हुआ है। यह पठार पूर्व में फारस की खाड़ी तथा पश्चिम में लाल सागर के मध्य प्रायद्वीप की रचना करता है। यहाँ प्राचीन कठोर व रवेदार चट्टाने जैसे ग्रेनाइट, नीस की प्रधानता है। इस पठार की औसत ऊंचाई 2000 मीटर तथा ढाल उत्तर की ओर है। जलवायु की दृष्टि से यह प्रायद्वीपीय पठार शुष्क व मरुस्थलीय है। अत्यंत शुष्क होने के कारण इन चट्टानों का विखंडन एवं आवरण क्षय हुआ है एवं शुष्क तेज हवाओं से इसके चट्टानी भागों पर रेत की परत जम गई है, जिससे यह रेतीला हो गया है। इसके मध्य भाग में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार भी प्राप्त होते हैं। आइए बात करते हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार की। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला है, जो उत्तर में चौड़ा और दक्षिण में सिकुड़कर पतला रह गया है। इसके पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट, सह्याद्री की पर्वत पहाड़ियाँ, उत्तर में अरावली, राजमहल और शिलांग की पहाड़ियाँ विस्तृत हैं। इसका विस्तार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी आंध्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूर्वी केरल, छत्तीसगढ़ व तमिलनाडु राज्यों के लगभग 7,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। विभिन्न भूवैज्ञानिक इसे प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही भाग मानते हैं। इस पठार की औसत ऊंचाई 1,000
500 मीटर है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व एवं उत्तर पूर्व की ओर है। इसके पश्चिमी किनारे का ढाल अरब सागर की ओर काफ़ी तीव्र है। यह पठार लंबे भूवैज्ञानिक इतिहास से गुजरा है तथा अपने निर्माण के अधिकांश समय में यह समुद्र तल से ऊपर ही रहा है, जिस कारण इस पर लंबे समय तक अपरदनकारी क्रियाएं चलती रही हैं। इस प्रदेश में भ्रंश एवं विभंजन की क्रियाएं भी निरंतर रूप से होती रही हैं। इस पठार के उत्तरी भाग में विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत तथा मालवा का पठार प्रमुख श्रेणियां हैं, जबकि इस पठार के दक्षिण में इलायची और नीलगिरी की पहाड़ियां प्रमुख हैं। हिंद चीन का पठार, यह दक्षिणी पूर्वी एशिया के 800,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है, प्रायद्वीपीय पठार है। इस पठार का अधिकांश भाग हिंद चीन में स्थित है। इसमें म्यांमार वर्मा के पूर्वी भाग में स्थित सान का पठार, चीन के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित यूनान क्विचाऊ के पठारी भाग सम्मिलित हैं। म्यांमार में स्थित सान का पठार यूनान के पठार का ही दक्षिणी भाग है। यह पठार प्राचीन ग्रेनाइट, नीस तथा चूना पत्थर द्वारा निर्मित है। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 900 मीटर है। इस पठार पर अनेक ज्वालामुखी पर्वत भी मिलते हैं। इस पठारी भाग पर सालविन नदी प्रवाहित होती है। यह पठारी भाग मुख्यतः चूना पत्थर द्वारा निर्मित है। आइए उच्चावच के स्वरूपों में चौथा जो प्रमुख स्वरूप था वह था नदी घाटियों का, उस पर चर्चा करें। एशिया महाद्वीप की नदी घाटियां क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कम क्षेत्र पर ही विस्तृत है, लेकिन मानवीय उपयोग के दृष्टिकोण से ये नदी घाटियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एशिया की 3/4 जनसंख्या इन्हीं नदी घाटियों में निवास करती है। ये नदी घाटियाँ अत्यंत उपजाऊ हैं। एशिया महाद्वीप विश्व की महानतम नदी घाटी संस्कृतियों का महाद्वीप है। इस महाद्वीप पर अनेक नदियों के छोटे बड़े बेसिन मिलते हैं, जहां एशिया की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पनपी। इस कारण इसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। प्रमुख नदियों के रूप में यहां पर जो नदियां व मैदानों में दजला फरात, सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मीनान, मीकांग, सिक्यांग, यांगटशिग्यांग तथा हुआंगहो के मैदान सम्मिलित हैं। और रिलीफ का उच्चावच का अंतिम फीचर जो आता है वह है द्वीप समूह मालाएं। एशिया महाद्वीप के पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्व की ओर द्वीपों की एक विस्तृत पंक्ति चाप के आकार में फैली है। प्रशांत महासागर में द्वीपों की बहुलता है। इन द्वीपों का निर्माण टर्सरी कल्प की नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों के साथ हुआ। इस द्वीप समूह माला के प्रमुख द्वीप क्यूराइल, होस्यू, सिकोकू, फार्मोशा, फिलिपाइन, सैल्वीज, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, सिंगापुर आदि हैं। एशिया के इस द्वीपीय खंड में द्वीपों की संख्या हजारों में है। अकेले फिलीपींस द्वीप समूह में लगभग 7,100 अलग अलग द्वीप हैं। इंडोनेशिया में द्वीपों की संख्या 13,000 है और इनमें से 6,000 द्वीपों पर आबादी रहती है। ये सभी द्वीप पहाड़ी हैं। इन द्वीपों पर लावा की मोटी परत निक्षेपित है। आज भी यहाँ अनेक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इन द्वीपों में भूखंड आते रहते हैं तथा ज्वालामुखी फटते हैं। इन द्वीपों के तटीय मैदान छोटे और सक्रिय हैं। उष्ण आर्द्र जलवायु तथा लावा जनित उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ चाय, रबर, काफ़ी, मसाले, गन्ना, नारियल आदि की बागाती प्रकार की कृषि की जाती है। धन्यवाद छात्रों, आज हमने एशिया के रिलीफ पर चर्चा की है, उच्चावच पर चर्चा की है।